500 रुपए कम ट्रैफिक को और उन्हें दे रहे पुलिस को, पुलिस को होगा ना लाख असेंबली उनमें 500 में ही है अभी। हाँ जी नु कैसे बंटो पर लाख को इतने जाएंगे पुगाने को इतने जाएंगे भाई वही ये पुलिस वाले मांगे फिर जाए फिर जाए। उत्तर प्रदेश में शामली जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में चल रहे डग्गामार वाहन स्वामी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो पुलिस पर रिश्वत लेकर डग्गामार वाहन चलवाने का आरोप लगा रहा है। इसके साथ ही वो ये भी कह रहा है कि पुलिस कर्मी भी हमारे साथ फ्री आते जाते हैं। अब इस पूरे मामले में CO ट्रैफिक श्याम सिंह ने जाँच कर कार्रवाई करने की बात कही है। यहाँ तक यहाँ कौन आ गया TSI आ गया TSI भी है RCMP भी है और TI भी है यहाँ सब व्यवस्था है काम जिला है भाई बिट्टू जिला है ये नहीं मैं तो नहीं कह रहा हूँ ये 500 रुपये कम ट्रैफिक को और उन्हें दे रहे पुलिस को पुलिस को होगा ना लाख असेंबली उनमें 500 में ही है अभी। हाँ जी नु कैसे बंटो पर लाख को इतने जाएंगे पुगाने को इतने जाएंगे भाई वही ये पुलिस वाले मांगे फिर जाए फिर जाए। अच्छा देखो ये रोड पर रहते हैं ये थाने में रहते हैं। दरअसल सदर कोतवाली क्षेत्र में दिल्ली बस स्टैंड से मेरठ तक डग्गामार वाहन चलाए जा रहे हैं, जिसके चलते लोगों की जान जोखिम में डाली जा रही है। एक डग्गामार वाहन में 10 से 15 सवारियां बैठाई जा रही हैं और ये डग्गामार वाहन धड़ल्ले से बेरोक टोक सरपट दौड़ रहे हैं। वहीं डग्गामार वाहनों के एक स्वामी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पुलिस पर 500 रुपए प्रति गाड़ी प्रति महीना रिश्वत लेकर उन्हें चलवाने का आरोप लगा रहा है। वाहन स्वामी वीडियो में साफ कहते हुए दिखाई दे रहा है कि 500 रुपए प्रति गाड़ी वो TSI कोतवाली पुलिस की लांग चौकी और फुगाना थाने को देते हैं और वो बिना किसी रोक टोक के अपनी गाड़ी चलाते हैं। जब सामने वाला व्यक्ति पूछता है कि आखिर 500 रुपए कैसे देते हैं, तो वाहन स्वामी बड़े ही आराम से बता रहा है कि पुलिस वाले रोजाना उनकी गाड़ियों में फ्री आते जाते हैं और यही फ्री आने जाने वाले पुलिस कर्मी थानों में भी हैं, तो इन्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। वहीं इस पूरे मामले में कोट ट्रैफिक श्याम सिंह ने अब जांच की बात कही है। ये जो अवैध टैक्सी स्टैंड पूरे शहर में है, लगातार ये लोगों की जान जोखिम में डालकर गाड़ी चला रहे हैं, क्या प्रकरण है सर? नहीं देखा जाएगा, इसका रिव्यू किया जाएगा कि अगर अवैध जो भी स्टैंड संचालित हो रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई स्वयं तो कराई ही जाएगी। इसमें RTO को भी जो है इसमें पत्र लिख करके जो है इस पर कार्रवाई कराने के लिए जो बताया जाएगा। जो है सर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है सर, उसमें आरोप लगाए जा रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस को उनके द्वारा पैसा दिया जाता है सर। हाँ उस जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी भी जाँच कराई जा रही है कि इसमें सत्यता क्या है, सत्यता पाए जाने पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी अवैध टैक्सी स्टैंड किसी भी शहर में नहीं चलेगा। बावजूद इसके यहां पर टैक्सी स्टैंड तो चल ही रहे हैं, अवैध टैक्सी भी सर पर दौड़ रही हैं और पुलिस वाले इनमें फ्री यात्रा भी करते हैं और उनसे सुविधा शुल्क भी वसूल करते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद आला अधिकारी इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेते हैं। पंजाब केसरी TV के लिए शामली से पंकज मलिक की रिपोर्ट।